सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। पीएस से यूपीएस में क्रमोन्नत विद्यालय में होगा स्टाफिंग पैटर्न, कार्मिकों का होगा पदस्थापन या समायोजन, उसके संबंध में आदेश हुए जारी। जी हां साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की, तो शिक्षा विभाग में एक बार फिर से स्टाफिंग पैटर्न का निर्धारण होगा। स्टाफिंग पैटर्न में नामांकन के अनुरूप विद्यालय में शिक्षकों को लगाया जाएगा। अगर नामांकन से अधिक शिक्षक लगे हुए हैं तो उनको हटाया जाएगा, उनको दूसरी जगह लगाया जाएगा, अर्थात इनका स्टाफिंग पैटर्न किया जाएगा। ये स्टाफिंग पैटर्न उन विद्यालयों में होगा जो वर्तमान में पीएस से यूपीएस में क्रमोन्नत हो गए हैं। पीएस से यूपीएस में क्रमोन्नत सभी विद्यालय में स्टाफिंग पैटर्न का निर्धारण किया जाएगा। स्टाफिंग पैटर्न के तहत किन किन कार्मिकों का निर्धारण होगा, किन का नहीं होगा, इसके संबंध में भी आदेश जारी कर दिया गया है। बात करें इस आदेश की, जो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा समस्त को ये लिखा गया है और विषय है प्रारंभिक शिक्षा के राजकीय प्राथमिक से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालय के शैक्षणिक कार्मिकों के समायोजन पदस्थापन के संबंध में लिखा गया है और समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखा गया है। और बात बताई गई है कि उपरोक्त विषय एवं प्रासंगा अंतर्गत लेख है कि शासन स्तर से प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए जाने के उपरांत शाला दर्पण पोर्टल पर क्रमोन्नति उपरांत स्टाफिंग पैटर्न जनरेट किया जाता है। अर्थात दोस्तों, शासन स्तर से प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया जाता है और उसके बाद शाला दर्पण पर क्रमोन्नति जो स्टाफिंग पैटर्न जनरेट किया जाता है। इस प्रक्रिया में विद्यालय में कार्यरत समस्त शैक्षणिक कार्मिकों जो भी कार्यरत है विद्यालय में समस्त शैक्षणिक कार्मिक विद्यालय में अधिशेष शिक्षक के अंतर्गत प्रदर्शित होते हैं, यानी जो वर्तमान में कार्यरत शिक्षक है वो अधिशेष शिक्षक के रूप में प्रदर्शित होते हैं, जिनमें से आवंटित पदों के अनुरूप पुनः उसी विद्यालय में समायोजन योग्य कार्मिकों को शाला दर्पण पोर्टल पर स्वचालित प्रक्रिया अथवा संबंधित पीओ यूसीओ स्तर पर कार्यकरण करवाया जाता है। अर्थात जो भी शिक्षक लगे हुए हैं इसके अंतर्गत पीएस से यूपीएस में जो विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं उनमें जो शिक्षक लगे हुए हैं उनको अधिशेष शिक्षक के तौर पर दिखाया जाता है, अधिशेष शिक्षक के तौर पर दिखाया जाता है। उसके बाद जो स्टाफिंग पैटर्न का नियम है, स्टाफिंग पैटर्न के नियम के अनुरूप जो कार्मिक उसमें समायोजन के योग्य है उनको शाला दर्पण पोर्टल पर संबंधित पीओ और सीबीओ स्तर पर कार्यकरण करवाया जाता है उसी विद्यालय में। उक्त प्रक्रिया में ऐसे शैक्षणिक कार्मिक जो कि आवंटित पदों के अनुरूप पुनः उसी विद्यालय में समायोजन योग्य नहीं होते हैं, अर्थात कई कार्मिक होते हैं जो समायोजन के योग्य होते हैं और कई नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं उन्हें संबंधित कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक स्तर से स्टाफिंग पैटर्न दिशा निर्देश 28/5/2019 के मानदंडानुसार काउंसलिंग के माध्यम से अन्य आवश्यकता वाले विद्यालय में समायोजन किया जाना अपेक्षित होता है। जो समायोजन के योग्य नहीं होते हैं उनको काउंसलिंग के माध्यम से अन्य विद्यालय में भेजा जाता है और इनका निर्धारण 28/5/2019 के आदेश के अनुसार होता है। दोस्तों, ये 28/5/2019 का आदेश क्या है वो हम अलग वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदेश है जिसमें कई नियम हैं जिसके अंतर्गत उनका समायोजन किया जाता है और किन का नहीं किया जाता है पूरी बात बताई गई है। तो यहाँ पे दोस्तों हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि अब स्टाफिंग पैटर्न का निर्धारण किया जाएगा, तो इस संबंध में यहाँ पे बात बताई गई है कि इस संबंध में लेख है कि प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय क्रमोन्नति उपरांत उसी विद्यालय में स्टाफिंग नियमानुसार समायोजित नहीं होने वाले अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों को शासन द्वारा जारी स्टाफिंग दिशा निर्देश 28/5/2019 में प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार अन्य आवश्यकता वाले विद्यालय में समायोजन और पदस्थापन करने की कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित करें कि स्टाफिंग नियमानुसार कोई भी शैक्षणिक कार्मिक शाला दर्पण पोर्टल पर अधिशेष प्रदर्शित नहीं हो, अर्थात इनका सभी का स्टाफिंग पैटर्न किया जाए, जो समायोजन के योग्य है उनको समायोजन किया जाए, जो समायोजन के योग्य नहीं है तो उनका पदस्थापन किया जाए काउंसलिंग के माध्यम से, ताकि कोई भी पोर्टल पर अधिशेष नहीं रहे, अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साफ साफ अक्षरों में इसका मतलब यही है कि अब स्टाफिंग पैटर्न किया जाएगा, जो भी विद्यालय पीएस से यूपीएस में क्रमोन्नत हुए हैं उनमें कई तो अधिशेष कार्मिक है और कई है वो अधिशेष कार्मिक है उनको कईयों को तो काउंसलिंग के माध्यम से अन्य विद्यालय में ज्वाइन करवाया जाएगा, लेकिन कई जो समायोजन के योग्य है उनको उसी विद्यालय में कार्यकरण करवाया जाएगा, इसकी कार्रवाई जल्द ही शुरू हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। दोस्तों वो वीडियो भी मैं जल्दी जारी करूंगा, तो वीडियो को अभी से लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि पदस्थापन और स्टाफिंग पैटर्न से संबंधित नया वीडियो भी आपके तक पहुंच जाए।